नुपुर शर्मा के विवादित बयान के बाद से देश और दुनिया में भारत का नाम नीचा हुआ है। इसका सबूत है कि दूसरे मुल्कों की सरकारों ने भारत पर एक्शन लेना भी शुरू कर दिया है। सभी का कहना है कि गलती भाजपा और उनके प्रवक्ता ने की है, तो देश माफी क्यों मांगेगा। नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद को लेकर विवादित बयान के बाद देश में माहौल गर्म है। हर जगह प्रदर्शन हो रहे हैं और बड़ी बड़ी जमात भी इसका विरोध कर रही है। कल इसी कड़ी में कोलकाता के प्रेस क्लब के पश्चिम बंगाल जमात उलमा हिंद की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर इसका विरोध दर्ज किया गया। इस मौके पर खास तौर से जमात उलमा हिंद के प्रेसिडेंट सिद्दीकुल्ला चौधरी, इमाम ईदान कारी फजलुर रहमान, नाखुदा मस्जिद के इमाम कारी शफी कासमी, मौलाना साहब इस्माइल के अलावा मुख्तार अली, कराटे चैंपियन एम ए अली समेत कई उलमाए किराम मौजूद हुए। सब ने नुपुर शर्मा के बयान की मजम्मत की और जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की। जरिए से हम अपने देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और जितने भी हमारे मुल्क के सीएम हैं और जो जिम्मेदार हैं, तमाम लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं, ये अपना पैगाम आप लोगों के माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं कि हम अपने नबी से और अपनी उम्मातुल मोमिनीन से बेहद मोहब्बत करते हैं। हमें हमारा ये ईमान है कि दुनिया के तमाम चीजों से ज्यादा ला युमिनु अहदकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिहि व वलदिहि व नासि अजमईन। मुसलमान वही हो सकता है जो अपनी जान, अपनी माल, अपनी औलाद और अपने माँ बाप और दुनिया की तमाम चीजों से ज्यादा जो नबी से मोहब्बत नहीं करेगा वो मुसलमान नहीं हो सकता। ये हमारा ईमान है। और आज जो बीजेपी की प्रवक्ता और उनके जो लोग जिस तरीके से हमारे प्रोफेट मोहम्मद उम्मातुल मोमिनीन के ऊपर लांछन किया है, जिस तरह से गलत कमेंट पास किया है, उसकी सख्त लफ्जों में मजम्मत करते हैं और अपने भारत सरकार से और पार्लियामेंट से हम ये मांग करते हैं कि उनके ऊपर FIR हो, उन पर कानूनी कार्रवाई हो, उनको गिरफ्तार किया जाए, उनको जेल के पीछे जाना चाहिए, उसको सजा होनी चाहिए। शब्द को इस्तेमाल करे ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और दूसरी बात यह है कि हम ये डिमांड रखे हैं पश्चिम बंगाल के सीएम से या हर स्टेट के सीएम से और हर स्टेट के गवर्नर और हमारे देश के राष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर सब से हम ये डिमांड किए हैं कि किसी भी धर्म के खिलाफ अगर कोई आवाज़ उठाए, इस तरीके के खिलाफ किसी अल्फाज का इस्तेमाल किया करे, कोई भी धर्म के देव देवी जिसके जो भी रिस्पेक्टेबल हैं, तो एक ऐसा कानून बनाया जाए कि उसके खिलाफ एंटी नेशनलिस्ट धारा लगाया जाए, क्योंकि वो नेशन के खिलाफ है, वो देश के हित के खिलाफ है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटमेंट है। ओके, किया कि हम चुप नहीं बैठेंगे, इससे क्या निकाला जाए? मतलब इसका मतलब ये है कि आज हम चुप नहीं है, आज जो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं हमारे सिद्दीकुल्ला चौधरी साहब को लेकर, तो ये मैं वही बता रहा हूँ कि हम चुप नहीं है। उसका वजह यह है कि आज हम एहतजाज कर रहे हैं कानूनी तरीके से, संविधानी तरीके से और आप तमाम मीडिया के सपोर्ट के साथ। नुपुर शर्मा को अगर गिरफ्तार नहीं किया, जब सोनू निगम ने जब आवाज उठाई थी तो आपने सबसे पहले कंडम किया था और उसको लेकर के काफी चर्चा में भी रहा, काफी। देखिए अजान के मामले में मैं बता रहा हूँ, देखिए सीरत रसूल के बारे में कुछ उल्टा सीधा अल्फाज इस्तेमाल हुई है और हम सब इस चीज़ का निंदा करते हैं और इसी वजह से आज सब हम अपना काम वगैरह छोड़कर आज प्रेस क्लब में इसलिए मौजूद हैं कि इस चीज़ के खिलाफ बात उठे, एहतजाज हो और जो नुपुर शर्मा जो भी स्टेटमेंट दिए उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। सिर्फ उसको बॉयकट कर देना इज नॉट द सोल्यूशन, उसके खिलाफ चार्जशीट लगे, उसको सज़ा मिले, उसको बिल्कुल जेल में डाला जाए और ऐसे स्टेटमेंट फ्यूचर में कोई ना दे, इसके लिए कानून बनाया जाए। देखिए मैं ये कहूँगा कि जो भी ये कर रहे हैं रोड पर उतर कर मतलब गाड़ी वगैरह जाम हो जा रहा है, तो देखिए मैं उनकी जज्बे की कदर करता हूँ क्योंकि ये हम कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये काबिल बर्दाश्त नहीं है कि अल्लाह के रसूल के ख़िलाफ़ बात करें, क्योंकि हम सब कुर्बान कर सकते हैं, हम कभी भी अल्लाह के रसूल के शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते।
तो लिहाजा आप जो भी कर रहे हैं, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि किसी न किसी का ये साजिश है कि एक ऐसा माहौल बना दिया जाए ताकि सब लोग आपस में लड़ते रहे और इसको लेकर एक कम्युनल टेंशन पैदा हो जाए। कहीं ना कहीं किसी न किसी का ये साजिश है, तो हम उनका हाथ मजबूत ना करें, हम उनको कामयाबी ना दें। हम बिल्कुल एहतजाज करेंगे कानूनी तरीके से एज पर दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान के तहत, और आप लोगों का सपोर्ट है। सीएनआरसी में भी जिस तरीके से लोग इंसान दायरे में रहकर काम कर रहे थे, मगर सुनवाई तो नहीं हुई, आखिर सड़क जाम करनी पड़ी, शाहीन बाग में वो करना पड़ा, तब जाकर कोई रिजल्ट नहीं था, इसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, बस मैं इतना ही कहूँगा कि जब मसला हमारे नबी का आएगा तो हम सर कटा तो सकते हैं मगर सर झुका नहीं सकते। थैंक यू। तंजीम है जिनकी जिम्मेदारी है मुल्क में अमन शांति के लिए, तो उन्होंने एक मैसेज दिया है कि अमन शांति से रहें, प्रोटेस्ट अपनी जगह पे है, लेकिन सड़कों पे जाम करना और किसी को नुकसान पहुंचाना ये इस्लाम सिखाता नहीं है। तो वही मैसेज सिद्दीकुल्ला चौधरी ने लोगों को दिया, और साथ ही साथ यही ये डिमांड की है कि उस पर कार्रवाई हो, सजा हो, कानून के मुताबिक हिंदुस्तान।